नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, है ना। बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि ड्राइंग के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने बहुत सारे खुद भी यूट्यूब पे बहुत लोगों के वीडियो देखे ड्राइंग के ऊपर, लेकिन मुझे लगा कि जो मटेरियल्स आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है या आप जो जानना चाह रहे हैं उस तरह से मुझे कोई नहीं दिखा, तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा औरों से हटके ये वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको जो ड्राइंग की बेसिक चीज़ें हैं ना, जो इसके वर्ड्स हैं, मुश्किल नहीं है, बट आप समझे कि वो जो वर्ड्स एक्चुअल में इंडस्ट्रीज में यूज होगा, फैक्ट्री में यूज होगा, तो हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे ड्राइंग को पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक है वीडियो। ये थोड़ा सा आप डर रहे होंगे ना, कुछ लोग तो अच्छा है ड्राइंग, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मतलब शुरुआत दौर में जो होते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार ये ड्राइंग कैसे आएगी, मशीन तो समझ में आ गया, तो उनको ये थोड़ा मुश्किल लगता होगा, लेकिन मुश्किल ये है नहीं। आप धीरे धीरे इसमें से ना एक एक चीज़ पकड़ते चलेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, और शुरू में थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन आप हिम्मत ना हारें, आप एक एक चीज़ इसका समझते चलें, और आप देखिए कि आपका डे बाय डे, ये वीडियो मैंने सोचा है कि कई पार्ट्स में बनाऊंगा, ताकि आपको डीपली नॉलेज दे सकूं, तो आप इसको ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखें, समझें। और बहुत चीज़ें ना दोस्तों, आपको क्या होगा कि ये समझें कि आज ये अगर मुश्किल लग रहा है ना, तो ये कल आसान हो जाएगा, और जो आज आसान लग रहा है वो कल मुश्किल रहा होगा। तो एक तो ये है कि आपको हिम्मत नहीं हारने, आप ये नहीं मान सकते कि यार आपको तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि तो कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो ये जो लाइनें हैं ना दोस्तों, ये बड़ा ही आपको बल देंगे। तो आपको मुश्किलों से भागना नहीं है, आपको उससे जूझना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आएगा जरूर, ये मेरा वादा है आपसे। आप देखें एक एक चीज़ को। ये एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स की ड्राइंग है। हम लोग इस ड्राइंग पे आए, उससे पहले ना मैं आपको वैसे ही कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि ड्राइंग बनाते कैसे हैं या समझते कैसे हैं। तो आप समझे दोस्तों, आपको एक ये कंपोनेंट दिख रहा होगा, आप देखें इसको, मैं आपको कैमरे के नज़दीक ला दूँ, दिख रहा है आपको ये कंपोनेंट्स। ये सिंपल एक कंपोनेंट्स है ये। अब अगर इसकी हम लोग ड्राइंग बनाएं तो कैसे बनाएंगे, दिख रहा है ये कंपोनेंट। अगर आप इधर सामने से देख रहे हैं तो इसमें दो डाया ही दिख रहा है केवल। अब उसको सामने से अगर आप देखें कि ये दो डाया दिख रहा है, और इसको हम लोग जब बनाएंगे ना, जब इसको ड्रा करेंगे किसी पेपर के ऊपर, तो कैसे ये ड्रा होगा। अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे, तो अब आपका क्या होगा कि यहाँ पे ना दो सर्कल दिख रहा है, एक ये और एक ये। तो आप अगर सामने से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है। एक ये सर्कल हो गया और एक इसके बाहर बाहर ये ऐसा सर्कल, ये दो आपको सर्कल दिख रहा है ऐसा। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि ये सर्कल तो आपको दिख गया, लेकिन अब इसमें ना आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये कितना गहराई में है, या ये जो ऊपर वाला सर्कल है ये कितना लंबाई में है या कितने थिकनेस में है, वो नहीं दिख रहा है आपको। तो अब डिपेंड करता है कि हम लोग ड्राइंग को अगर ऐसे बनाएंगे तो आपको ऐसा दिख जाएगा। अगर इसी को मैं ड्राइंग को समझे ऐसा बना दूं, अब दिख रहे हैं ऐसा, तो ऐसा में आपको होल वगैरह नहीं दिख रहा है, ये गोल है, ये ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो अगर इसको हम लोग ऐसा बनाएंगे तो आप समझें कि कुछ आपको ऐसा दिखने लगे, एक इसके सीधे। तो जब आप ऐसा देखेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा।
अब इसके अंदर ये ऐसा होल तो है लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है, तो ऊपर से ये केवल ऐसा दिखेगा। अब इसमें ये तो दिख रहा है, ठीक है, अभी ये इसकी मोटाई हम लोग जो भी नाप लें वर्नियर से या चेक कर लें, सपोज करिए ये यहाँ से 25, ठीक है 25 हो गया, ये हम लोग देख लें कि हाँ ये इसका ये डायामीटर है, जो भी मान लिया मैंने 80 50 60 जो भी मान लीजिए ऐसा है। लेकिन अब इसके अंदर का पोर्शन जो है वो नहीं दिख रहा है, तो अब ये कब दिखता है दोस्तों, जब इसको हम लोग काट देते हैं, हैचिंग करते हैं, या इसको कंपोनेंट को मैं काट दूं, तो काटने के बाद क्या होगा कि ये काटेंगे ना हेक्सा से, ऐसा समझिए ऐसा कुछ, तो जहां पे मटेरियल है, ठीक है, ऐसा कट करेंगे तो जहां पे मटेरियल है वहां पे कटने का निशान आएगा, और जहां खाली है वहां हेक्सा ऐसे ही आ जाएगा, फिर यहां कटने का मतलब कि यहां मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये बीच में जो है ये हॉलो है, खाली है, इसका मतलब ये हो गया। तो अब हम लोग ड्रॉइंग को एक्चुअली किस तरीके से बनाएं, इसको ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, ये डिपेंड करता है कि आपको ड्राइंग जिस कंपनी की है ना वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, या आपसे उस ड्राइंग में क्या बनवाना चाह रहा है। अब ये ड्राइंग का ये वाला व्यू मुझे कब बनाने की जरूरत है, जब यहाँ पे सपोज करिए कि कुछ यहाँ पे ऐसे चार होल है, समझ रहे, ये चार होल दिख रहे हैं आपको, मैंने ऐसा ही पोजीशन कर दिया कि मार्कर घर से बना दिया कि यहाँ पे ये चार होल है, तो अगर ये चार होल उसको बनवाने हैं या ड्राइंग में दिखाना है तो वो ड्राइंग को ऐसा करके और यहाँ पे वो चार होल यहाँ पे बना के दिखाएगा, ठीक है। और अगर ये होल नहीं बनाना आपको, ये सिंपल समझिए कि टर्निंग पे बनाना है, क्योंकि ये होल वगैरह तब दिखाएगा जब हम लोग इसको बीएमसी पे बनाते हैं, लेकिन अगर टर्निंग पे बनाना है तो शायद आपको ये नहीं दिखाएगा, उसमें केवल आपको दो डायमेंशन दिखा देगा कि आपको एक तो ये डाया बनाना है और एक ये डाया बनाना है और ये थिकनेस मेंटेन करनी है, ये इसका सेंटर लाइन, तो वो केवल इतने से आपका काम चल जाता है। तो ड्राइंग को हम लोग इसी तरीके से अलग अलग एंगल से, अलग अलग व्यू, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, साइड व्यू है ना, लेफ्ट साइड व्यू है, राइट साइड व्यू है, तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग कंपोनेंट को किस एंगल से देखना चाह रहे हैं, किस साइड से, उसमें क्या है। तो ये जो भी ड्राइंग्स हम लोग बनाएंगे या समझेंगे उसके लिए ना कुछ वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग एक एक करके समझते चलें। तो मैंने एक जो ये ड्राइंग बनाई है कुछ ऐसा ही बनाया है, जिसको हमने सेक्शन कर दिया, तो ये बीच में ये हॉलो है, ऊपर कुछ ऐसा है, से ये एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट की ड्राइंग है। तो अभी ड्राइंग को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारे डायमेंशन हैं, तो हम लोग एक एक लाइन को लेके चलें। तो एक सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, पहला उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर लाइन, सेंटर लाइन। एक तो दोस्तों सेंटर लाइन का मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल कंपोनेंट के सेंटर में, अगर कोई सिलेंड्रिकल पार्ट्स है ना तो उसके बिल्कुल सेंटर में होगी, ये समझें कि ये काल्पनिक लाइन है, लेकिन ये सेंटर में होगी तो इससे क्या होगा कि ऊपर का पार्ट्स और नीचे का बिल्कुल बराबर होगा, सिमिट्री जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब ये सेंटर लाइन है जैसा, अब इसके ऊपर और नीचे सेम होगा, अगर कई बार हमें देखने में ये लगता हो कि भाई ये मोटा है, यहाँ पतला है, या ये कम है, ये ज्यादा है, ये देखने में चाहे लगे अगर हम लोग फ्री हैंड स्केच बनाए तो, लेकिन अगर आपने सेंटर लाइन ड्रा कर दिया तो समझे कि ये किसी भी सिलेंड्रिकल पार्ट्स को दो इक्वल भागों में बांट दिया, सिंपल। तो सेंटर लाइन को हम लोग ऐसा बनाते हैं, ये लाइन हो गया, बीच में डॉट, फिर लाइन डॉट, लाइन डॉट, ये ऐसे करके हम लोग बना देते हैं, दिख रहा है ये। इसका मतलब है कि जितना ये है उतना ही ये है, अब यहाँ पे तो ये दिया हुआ है 15, लेकिन यहाँ नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 15 है तो ये कुछ और होगा, वो हो ही नहीं सकता,
क्योंकि एक ये सिलेंड्रिकल पार्ट्स है और सेंटर लाइन ड्रा करके बनाया गया है, तो सेम जैसा ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा, ठीक है। तो सेंटर लाइन का रोल तो ये है। उसके बाद एक दूसरी लाइन आती है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन क्या है दोस्तों? आप अगर एक्सटेंशन शब्द का मतलब समझे तो एक्सटेंशन का मतलब विस्तार उसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन लाइन क्या रहता है कि किसी ना डायमेंशन को, साइज को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं एक्सटेंशन लाइन का। एक्सटेंशन लाइन ये है, जैसे मान लीजिए कि मुझे ये दिखाना है कि ये कितना मोटा है, ठीक है ना, हमें इसकी मोटाई दिखानी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी ये पार्ट्स आपको बताया कि ये पार्ट्स हमने ऐसा कुछ बना दिया था, ध्यान है आपको, ऐसा सामने से। अब मुझे इसकी मोटाई कितनी है, ये टोटल लेंथ है ना, अब वो दिखाना है। तो चाहे आप ऊपर या नीचे दिखाएंगे, तो एक तो सीधा इसी लाइन के सीध में, ये कहीं टच नहीं होगी, एक्चुअल ड्राइंग से जो एक्सटेंशन लाइन है टच नहीं होगी, थोड़ा सा गैप करके हमें ये दिखाना है। तो एक यहाँ से लाइन खींच देंगे और एक यहाँ से लाइन खींच देंगे, तो ये जो दोनों लाइन है ना वो एक्सटेंशन हो गई। या मुझे इसका डाया दिखाना है, मान लीजिए बीच में ये सेंटर लाइन है, अगर मुझे को इसका डाया दिखाना है तो एक लाइन में चाहे इधर दिखाऊं या इधर दिखाऊं, जिधर भी दिखाना चाहेंगे उधर आपको एक्सटेंशन खींचना पड़ेगा। मान लीजिए कि मुझे इस साइड में दिखाना है, तो एक तो मेरे को ये दिखाना है ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक, तो इसके सीध में एक एक्सटेंड कर दिया, एक इसके सीध में, ये सीधी रहेगी। तो ये जो लाइन है, चाहे ये दोनों या ये दोनों, ये एक्सटेंशन लाइन बोलेंगे, जो किसी साइज को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जो भी देख रहे हैं एक्चुअल ड्राइंग में, ये एक्सटेंशन लाइन है, ये और ये बीच वाली नहीं, जिसमें एरो बना हुआ है, बहुत सारे जगहों पे एरो बना है, तो ये एरो वाली तो अलग लाइन है, बट जो ये सीधी इधर को यहाँ यहाँ ये सब जो लाइनें हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक है ना। उसके बाद आता है दोस्तों इसमें डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन, तो डायमेंशन लाइन क्या है? डायमेंशन लाइन समझे, जिसके एक तो ये जो डायमेंशन लाइन है ना, इसके दोनों सिरों पे अगर कहीं भी हम लोग ऐसे खींचेंगे तो दोनों सिरों पे ऐसे तीर का निशान बना होगा, है ना, और इसी के ऊपर डायमेंशन लिखा होगा, कुछ भी 10, 15, 20 कुछ भी लिखना है तो आप इसको बीच में थोड़ा सा गैप करके भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशन लाइन के दोनों सिरों पे एक तो एरो बना होगा, आप कोई भी ड्राइंग देखेंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों जो सिरे हैं ना वो दो एक्सटेंशन लाइन पे टच करेंगे। अब यहाँ दिखाया है तो आप समझें कि यहाँ पे भी एक ये एक्सटेंशन लाइन होगी और ये एक्सटेंशन लाइन, बीच वाली जो लाइन है ये डायमेंशन लाइन है। तो किसी भी साइज को दिखाने के लिए हम लोग जिस लाइन का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। अब यहाँ पे बहुत सारी जो लाइनें आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये दिखाना है कि भाई ये 25 है, तो अब ये तो एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंशन लाइन हो गई। अब यहाँ पे मुझे 25 दिखाना है तो मैं इधर और ठीक इसके सीध में इधर ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये डायमेंशन लाइन है, एक्सटेंशन है। अभी ये मैं ऐसा लिख दिया, ये डाया मुझे 60 लिखना था, ऐसा लिख दिया। तो ये जो लाइन है जिस पे एरो बना हुआ है ये डायमेंशन लाइन, और ये जो हमने एक्सटेंड किया है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन लाइन। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये दो तीन चीज़ें तो समझ में आ गई ड्राइंग में, एक तो सेंटर लाइन क्या है, एक्सटेंशन लाइन क्या है और डायमेंशन लाइन क्या है। इसमें कोई डाउट तो नहीं? चलिए, होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको भी बताऊंगा। पहले तो हम लोगों ने तीन लाइन को समझा ड्राइंग में, अब आते हैं हम लोग अगले वर्ड के तरफ।
जिसको हम लोग बोलते हैं, चौथा है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ है ना। हमेशा ड्राइंग में टोटल लेंथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो है। तो टोटल लेंथ का मतलब है, अगर हिंदी में हम लोग समझें तो टोटल लेंथ का मतलब है कुल लंबाई, टोटल लेंथ। कुल लंबाई का मतलब है कि कंपोनेंट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग बोलेंगे टोटल लेंथ। जैसे मान लें ये हम देखें, ये कंपोनेंट का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, अब इसका एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है, तो ये इसकी टोटल लेंथ हो गई। कभी आप नहीं समझे, आप बोले जी ये भी तो एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, तो ये जो सिरा है ना दोस्तों, जो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये लेंथ नहीं है, ये चूंकि गोल है तो वो डायामीटर है। तो जो टोटल लेंथ होगी वो डायामीटर नहीं होगा, वो हमेशा ये फ्लैट लेंथ होगी। तो कुल लंबाई या टोटल लेंथ जो है वो डायामीटर नहीं होगा। हम लोग ये सिरा और ये सिरा नहीं ले सकते क्योंकि ये डायामीटर है। तो टोटल लेंथ में कौन सा आ गया कि हम लोग यहाँ से, एक तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ के बीच की जो टोटल लंबाई है वो है टोटल लेंथ। तो आप ड्राइंग देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल लेंथ इसकी कितनी है। अगर यहाँ से ये देखें तो 55 ये है और 15 ये है, टोटल हो गया, टोटल लेंथ हो गया 70, ठीक है ना, ये 70 हो गया। ये कहीं भी दे सकता है, अगर सपोज करिए कि यहाँ पे 15 नहीं दिया, आप समझे, यहाँ पे 15 नहीं दिया, वो 15 कहीं यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे ऐसा कुछ करके यहाँ पे दे दिया 15, तो भी टोटल लेंथ आपको जब भी बताना पड़ेगा तो वो देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो है, ये जो कॉलर है इसकी थिकनेस ड्राइंग में कहीं ना कहीं तो दिया होगा। कई बार ये सर्कल बना के कहीं अलग ले जाके दे देगा, समझ रहे। तो अब हमें वो देखना है कि कितना थिकनेस है इसकी और ड्राइंग में कहाँ दिया है। तो वो यहाँ नहीं दिया, वो यहाँ दे दिया, तो भी हमारा 55 + 15 हम जोड़ देंगे तो वो 70 हो जाएगा। एक तो ये है, दूसरा समझे कि ये और कैसे दे सकता था। मान लीजिए ये ऐसा दे दिया, अब ये जो डायमेंशन लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक आ गई, मैं इसको कुछ ऐसा बना दिया ऐसा, और ये अभी भी 15 mm ही है। तो अब मैं बोलूँ कि अच्छा अब टोटल लेंथ क्या होगा, तो कई लोग अगर जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है वो बोलेंगे जी 55 और 15 70। लेकिन अब ये 15 टोटल लेंथ में नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये 55 ही है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 55 है, वो इसके अंदर ही 15 है। तो टोटल लेंथ अब कितना हो गया 55। लेकिन अगर ये डायमेंशन लाइन ऐसे नहीं दिया होता, ये ऐसा जैसा मैंने अभी दिखाया था ऐसा यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो अब कितनी हो गई 70। और अगर ये इकट्ठा यहाँ से यहाँ तक दे दिया तो उसी को लेंगे, बीच में कोई भी कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा एक टर्म्स आता है कई बार कुछ लोगों के साथ, सपोज करिए ये 55 दिया है और ये नहीं दिया है, और आपसे पूछा जाता है कि टोटल लेंथ कितनी है। तो अभी भी कई लोगों का जवाब हो सकता है कि कहीं दिया तो है नहीं, तो ये 55 है। तो ये सवाल का आंसर जो है वो ये है कि भाई इसमें टोटल लेंथ दिया नहीं है, इसलिए टोटल लेंथ आप बता नहीं सकते। जब तक आपको यहाँ से ये मिल गया ये कहीं ना कहीं है तो ठीक है, नहीं तो टोटल लेंथ ये नहीं है। अगर हम अपनी कुल लंबाई पूछें कि कितनी है, मैं नीचे से यहाँ तक की तो बता दो, ये मालूम ही नहीं है तो वो हमारी कुल लंबाई नहीं मानी जाएगी। सेम ऐसे ही ड्राइंग में भी ऐसा ही होता है कि जब तक ये कहीं से भी ये टोटल ना मिल जाए तो हम लोग इसको टोटल लेंथ
मान नहीं बता सकते। चलिए इसको जैसे था मैं वैसे कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको टोटल लेंथ ड्राइंग में कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, आप देखिएगा और समझिएगा। चलिए टोटल लेंथ समझ में आ गया। हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है एक वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर है ना, हिंदी में भी इसको हम लोग लिखेंगे तो व्यास तो नहीं कोई लिखेगा, ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा डायामीटर। डायामीटर या डायामीटर जैसा आप लिखें, हिंदी में इसका मतलब होता है व्यास, लेकिन वो व्यास कहीं चलेगा नहीं यूज होगा, तो आप डायामीटर समझे। और डायामीटर का मतलब क्या है कि वो डायामीटर कब बनेगा, जब आपका पार्ट गोल हो राउंड हो तभी ये डायामीटर बनेगा। अगर हमारा कोई पार्ट मान लीजिए ऐसा है, दिख रहा है, कोई पार्ट ऐसा है, ऐसा, ठीक है ना। अब इसमें कहीं पे डाया नहीं है, इसमें सब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उठाई ये सब हो सकता है, डायामीटर नहीं है। डायामीटर का मतलब है वो गोल होगा। दूसरा क्या रहता है कि ड्राइंग में इसे फाई से ये एक ऐसा गोल बना के ऐसा काट दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये डायामीटर का सिंबल है और इसको कहते क्या है, फाई। इसका नाम है फाई, बट आप ऐसा नहीं बोलेंगे फाई 60 फाई 32, आप ये यूज करते हैं हम लोग डायामीटर के सिंबल के लिए। तो जहां पे भी ये सिंबल बना है इसका मतलब ये है कि वो राउंड है, वो गोल है, समझ में आ रहे। तो जहां पे जो गोल है वो डायामीटर है। अब अगर इसमें हम लोग डायामीटर आप देख के लिखें तो कौन से है, कितना साइज है, जैसे 70 तो टोटल लेंथ हो गया था, डायामीटर में आप देखें तो डायामीटर 60 है ना, डायामीटर 32 है, ये डायामीटर है, उसके बाद ये 35 है, उसके बाद ये भी इसके सामने भी फाई लिखा है, तो डायामीटर 25 है और वो डायामीटर 40 है। तो अभी आप जो भी डायमेंशंस देख रहे हैं, यहाँ पे डाया नहीं लिखा है, इसका मतलब कि ये राउंड नहीं है, ठीक है ना। तो ये डायामीटर आप दिख रहे हैं आपको, 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल जो ड्राइंग में डायामीटर है वो 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, इनको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, डायामीटर। और डायामीटर का मतलब वो कैसा है, वो गोल है, राउंड है, ठीक है। अब जब डायामीटर आता है तो इसी में एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं OD और दूसरा को हम बोलते हैं ID। OD का मतलब हो गया आउटर डायामीटर, बाहर का आउटर डायामीटर, या शॉर्ट में डाया भी कहते हैं। ID को हम लोग बोलते हैं इनर डाया या डायामीटर, शॉर्टकट में डाया बोल देते हैं। अब OD का मतलब बाहर का डायामीटर और ID का मतलब अंदर का डायामीटर, जैसे अभी हम एक कंपोनेंट दिखा रहे थे ऐसा। तो अब इसमें जो ये डायामीटर है ना, ये बाहर का, ये OD है और ये जो है ये ID है, ठीक है। अब चूंकि इसमें तो दो ही डायामीटर, एक OD एक ID, बट अगर कोई ऐसा कंपोनेंट होता जिसमें एक से ज्यादा डायामीटर होता, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, इसमें OD पे भी दो डायामीटर है, दिख रहा है आपको, एक ये भी डायामीटर है, एक ये भी डायामीटर है, ID में भी दो डायामीटर है, एक ये है एक ये है। तो अब ऐसे ही इस कंपोनेंट में अगर हम लोग OD और ID का डायामीटर देखें, ये जो 5 डायामीटर है इसमें बाहर से जो दिख रहा है, कैसे पता चल रहा है कि ये कटने से पहले, ये तो कुछ ऐसे डायामीटर है जैसे ये जब ये कटा है तब ये दिखना चालू हुआ है और ये 25 है। तो OD का जो डायामीटर है दोस्तों वो आपका डायामीटर 60 है, OD पे ये नहीं है, ये ID हो गया,
ये आईडी में है, ओटीपी ये भी बेशक अंदर दिया है बट ये है इसका ग्रुप का डाया, तो ये कटने से पहले ही आपको दिख रहा है, तो ये भी है जो बाहर का ही है 35 और 40, ये 5 डायामीटर है ना हमारे इसमें, ये 3 तो है ओडी के और बाकी जो बचे 2, एक 32 वाला और आईडी में 25 वाला, ये वाला एक ये बोर है और एक ये है, दो ही है ना स्टेप, तो ये जो डाया 25 है और डाया 32 है ये आईडी में आ गया, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने समझा वो कि टोटल लेंथ क्या है, ओडी क्या है, आईडी क्या है, एक्सटेंशन लाइन क्या है, डायमेंशन लाइन क्या है, सेंटर लाइन क्या है। अगर मैं एक ही वीडियो में सारा कवर करूँ ना तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा, और अभी ये लगभग 24-25 मिनट की वीडियो हो गई है, तो अभी आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में फिर हम और देखते हैं कि ये काउंटर बोर क्या है, कॉलर क्या है, थ्रू बोर क्या है, ये बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको इंडस्ट्रीज में यूज होते हुए दिख जाते हैं और हम उसको सुन के भी समझ नहीं पाते। तो आज हम लोग केवल इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैं तो अपनी कोशिश कर ही रहा हूँ, आपको लगनी भी चाहिए अच्छी, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दूसरे ग्रुप में भी इसको शेयर करें। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो ज़बरदस्ती ऐसा मैं नहीं कहूँगा करने के लिए, आपको अगर इससे फ़ायदा मिलता है तो आप ज़रूर जिसको प्रमोट करें, दूसरों को भी भेजें, ठीक है दोस्तों। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।